तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार इस वाली वीडियो में आप क्या बनाना शुरू करूँगे। तो मैं गाइस यार सोचने में बहुत टाइम लग गया था, तो मैंने ये सोचा है कि गाइस यार आज से हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी बनाना। हाँ गाइस यार, जैसा कि आप सब लोगों ने सुना गोकुलधाम सोसाइटी, तो गाइस आज से हम बनाना शुरू करने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी। तो गाइज यार उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी बहुत सारी। तो गाइज आप सब लोगों ने सोचा ही होगा कि यार गोकुलधाम सोसाइटी तो बहुत सारी जगह में बना हुआ है, लेकिन गाइज हम भी बहुत सारी जगह ढूंढ लेंगे और फिर बनाना चालू कर देंगे गोकुलधाम सोसाइटी। तो गाइज यार मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, 5-6 वीडियो भी बन सकती है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी कितनी बड़ी है। थोड़ा 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 कर करके पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है हम वीडियो बना के आपको बताएंगे, क्योंकि गाइस यार इतनी बड़ी गोकुलधाम सोसाइटी एक वीडियो में तो मिनट से नहीं बन सकती। तो गाइस यार आज ही थोड़ा बहुत काम चलेगा गोकुलधाम सोसाइटी का, तो चलो जगह ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं जगह ढूंढने की। चलो भाई यार गोकुलधाम सोसाइटी बनाने के लिए जगह तो हमें मिल चुकी है, तो भाई साहब ये जगह बेटर रहेगी, क्योंकि भाई यार इस जगह को हमें थोड़ा वो जो है यहाँ पर बहुत सारी घास के ब्लॉक लगे हुए हैं, तो इन सब ब्लॉकों को हमें भरना पड़ेगा। उसके बाद ही थोड़ी जगह प्लेन होगी, उसके बाद फिर बाद में जितने भी ब्लॉक हमारे रास्ते में आ रहे हैं ना, उन सब ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। तो चलो गाइस यहाँ पर जो है पूरी की पूरी जगह प्लेन कर देते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर पूरी की पूरी जगह प्लेन करने में हमें हो चुकी है रात, और भाई साहब मतलब हाथ दुख चले थे, क्योंकि यार बहुत सारी जगह प्लेन करना थी। और मैंने ये सोचा है कि भाई यार जितने भी ये ब्लॉक्स पहाड़ी जैसे हमारे रास्ते में अड़ रहा है, ज़मीन के रास्ते में, तो हम वो सब भी तोड़ देंगे। सबसे पहले तो हम ये फालतू जो पेड़ लगा हुआ है इसको तोड़ देते हैं। तो गाइस हमने पेड़ तो तोड़ दिया, यहाँ पर सामने जितने भी फालतू ब्लॉक्स लगे हुए ये सब ब्लॉक्स को हम तोड़ देते हैं, क्योंकि यार गोकुलधाम सोसाइटी इतनी सी जगह में नहीं बनेगी, इसलिए ब्लॉक तोड़ना तो पड़ेंगे, क्योंकि जगह हो जाएगी अगर ब्लॉक तोड़ेंगे तो सही साइड बहुत सारी जगह हो जाएगी। तो कोई नहीं, बनाना है गोकुलधाम सोसाइटी तो हाथ भी दुखाने पड़ेंगे और जगह भी करना पड़ेगी। तो चलो ये ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं। ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते हो चुकी है सुबह, मतलब हाथ दुख चले हमारे ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते। और भाई साहब अभी तो जो है बहुत सारी पहाड़ी ब्लॉक जो हमारे रास्ते में जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं वो सब भी उस साइड तोड़ने हैं। तो भाई साहब अभी तो हमारे हाथ टूटने ही वाले, गारंटी से ले लो। तो गाइस मैं यहाँ पर तोड़ते तोड़ते यहाँ पर जो है मेरा हाथ सुन हो चुके हैं, और भाई साहब मेहनत करूँगे तो मेहनत का फल तो मीठा मिलेगा सही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत का फल मीठा मिलेगा। चलो तोड़ते और हाथ दुखाते। ब्लॉक्स थे हमने तोड़ दिए, और मुझे लगता है कि इस साइड के भी जो है हमें ब्लॉक्स तोड़ना पड़ेंगे, ताकि और ज़्यादा हमें गोकुलधाम सोसाइटी बनाने के लिए जगह मिल जाए। तो चलो ये भी तोड़ देते हैं। कि जो है सारे के सारे ब्लॉक्स तोड़ दिए, और सबसे पहले तो जब हम गोकुलधाम सोसाइटी में इंटर करते हैं तो सामने के सामने जो है गोकुलधाम का गेट दिख जाता है, और भाई साहब वही गेट हम यहाँ पर बना रहे हैं, ताकि आप सब लोगों को पता चले कि यार गेट से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि पूरी वीडियो गेट बनाने में ही निकल जाएगी या तो फिर और लंबी बनाएंगे। तो भाई चलो ये वाले गेट को जो है पूरे पूरा तैयार कर लेते हैं। तो गाइस गेट बनाते बनाते
आते हमें हो चुके हैं 2 दिन, और आप सब लोगों को तो पता ही नहीं चला होगा कि गेट कब बन गया, क्योंकि यार मैंने फास्ट मोशन पे कर दी थी वीडियो। और भाई साहब अभी जो है यहाँ पर घर बने हुए थे, वो घर भी हम बना लेते हैं, वो गैलरी बोलते हैं उसे। तो गाइस पहले तो आप सब लोग सोचोगे कि यार कमरे क्यों नहीं बना रहे हम, जो गाइस कमरे इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि गोकुल धाम का पूरा का पूरा आगे का सेट बनाएंगे सबसे पहले, तो उसके बाद फिर पूरा सेट बनने के बाद हम बनाने वाले हैं पीछे के कमरे। हाँ आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि यार गोकुल धाम का पूरा सेट बना हुआ, पीछे कमरे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नहीं गाइस हम तो पीछे के कमरे जो है बनाएंगे। बाकी गाइस चलो ये जो गैलरी है वो गैलरी को भी हम जो है पूरा बना देते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर जो है दो गैलरी बनाते बनाते ही हमें 2 दिन गुजर चुके हैं, और भाई साहब मतलब इतना जो है काम बचा है इसमें कि मतलब 10-12 दिन तो निकलना ही है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो गाइस यार अभी जो है इतना सेट बनाने में ही हमें कम से कम 4 से 5 दिन तो गुजर चुके हैं, बाकी गाइस यार अभी तो और मेहनत करना है। नहीं यार गाइस यहाँ पर पूरा वाइट रखेंगे तो अच्छा ना लगेगा यार, यहाँ पर जो है पर्पल कलर का जो है ऊपर एक ब्लॉक की लाइन लगा लेते हैं। देखो आप अब जो है फिनिशिंग आ रही है ना, तो वही है अब एक नंबर वाली फिनिशिंग आ रही है ताकि अच्छी लगे। और भाई साहब जो है ऊपर की साइड ग्रीन ब्लॉक लगा लेते हैं, अच्छा ना लग रहा है। अरे यार ये क्या लगा दिया भैया, तो हम यहाँ पर ग्रीन ब्लॉक लगा देते हैं। और भाई साहब देखो अभी इतना शेड बन चुका है, अभी नीचे जो है ब्लॉकदार हाथी का घर है वो भी हमें बनाना है, और जो अभी हमने गैलरी बनाई ना ऊपर की वो किसका घर आपको मालूम, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी का। तो गाइस यार भिड़े का जो है हमने घर की जो है गैलरी बना दी है, और भाई साहब अब हम बना लेते हैं डॉक्टर हाथी का घर की आगे की गैलरी। गेट वेट बना दिया है, जल्दी से बताओ कि गेट यहाँ पर डॉक्टर आटे का और गैलरी सब कुछ के साथ अच्छा लग रहा है भाई। और यार ये जब नाराया है यहाँ पे जो यहाँ पर नीले कलर का लगा हुआ था, अलग से यहाँ पर एक और पीले कलर का लगा देते ब्लॉक। तो भाई यार जल्दी से यार कमेंट में आके बता दो कि यार हमने जो भी जितना भी बनाया है वो कैसा लगा। यहाँ पर ऊपर की साइड जो है वो आस पास जो है ऊपर की रेलिंग लगा देते हैं, ताकि हर इंसान को रेलिंग की ज़रूरत रहती है भाई, ताकि बच्चे बच्चे बाहर ही रहे ना। तो भाई यार यहाँ पर आप सब लोग देख लो हमने यहाँ पर जो है बना दिए है दोनों गैलरी। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार गेट क्यों नहीं बनाए, हमने गेट इसलिए नहीं बनाए क्योंकि गेट बनाएंगे ना तो थोड़ा बहुत अभी अच्छा ना लगेगा यार, गेट पहले यार पूरे आसपास की जो उधर का भी सेट है वो तैयार हो जाएगा ना, फिर गेट लगाने में मजा आएंगे गैलरी में। तो गाइस यार देख लो हम गेट तो दूसरा लगा रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं अपने आप से। अरे हाँ गाइस यार ये लगाना है हमें, तो यहाँ पर नीचे की साइड ये लगा लेते हैं। तो गाइस यार वहाँ पर गेट लगाएंगे हम। अरे यार मतलब देखते इस पे गेट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अरे यार यहाँ पर गेट बिल्कुल भी आधा आधा लग रहा है, अच्छा ना लग रहा है यार ये। तो ऐसा करते हैं कि भाई साहब जो एक ब्लॉक है नीचे का टाइल्स जैसा वो हम तोड़ देते हैं, उसके बाद गेट लगाएंगे। तो गाइस यार यहाँ पर हमने टाइल्स वाइल्स तोड़ तोड़ा के गेट लगा दिया है, और इतना सेट अभी हमने बना लिया है अपने हाथों से, और बहुत मेहनत लगी यार इतना सा सेट बनाने में, तो बहुत सारी चीज़ें बनाना है। हाँ गाइस यार अभी यहाँ पर सब दूर जो है सबके घर बनाना है, और आगे का पूरा के पूरा सेट बनाने में इतनी मेहनत लगेगी, उसके बाद हमें सारे के सारे अंदर के कमरे बनाना है। हाँ गाइस यार तो गाइस बहुत मेहनत लगने वाली है यार। तो बस गाइस यार ये वाली वीडियो में इतना ही, क्योंकि यार भाई साहब इतना जो है तोड़ तोड़ाने में, और भाई साहब पूरी के पूरी जो है इतना सेट बनाने में
तो इतनी मेहनत लग गई है, तो भाई साहब अभी तो बहुत सारी चीज़ें बनाना है, तो सब हम बना लेंगे धीरे धीरे, पार्ट वन, पार्ट टू, थर्ड पार्ट टू, फोर पार्ट टू, फाइव, ऐसे ऐसे कर करके इतनी सारी वीडियो आ जाएगी गोकुलम सोसाइटी बनाने में ही। तो भाई साहब यार, आपको ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वाली वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि अगली वीडियो में और हम बाकी की चीज़ें जो है और बनाना है, गैलरीज बनाना है। तो बस गाइस अगली वाली वीडियो में इतना ही, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।